सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर स्थित महाकाल के दर्शन करने। मुक्तेश्वर जो कि भवाली से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आइए आप भी मेरे साथ चलें। बट ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। सामने जूता रखने का स्थान है। आइए यहाँ पे जूते चप्पल उतारे। ये हनुमान मंदिर आगे बताइए तो बेटा करो ये तो महादेव महाशिवरात्रि
ऊपर से देखने पर नीचे कितना सुंदर दिखाई देता है। और ये है सामने मंदिर। इनके आशीर्वाद से ही मुझे यहाँ आने और उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय गुरुदेव। यहाँ पर हवा इतनी तेज चल रही है कि ठंड का एहसास हो रहा है। किसी जंगल के बीच में चलते हुए कितना अच्छा लगता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, चीड़ के पेड़ हैं सारे, मुक्तेश्वर में महाकाल मंदिर के पीछे स्थित का ये जंगल। इसके बीच में चलते हुए कोई कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही एक स्पॉट है घूमने का, सारे लोग वहीं जा रहे हैं, हम भी वहीं पे जा रहे हैं। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं कि क्या चीज़ है वहाँ पे। मान्यता है एक पत्थर में छेद हुआ हुआ, जिसके बच्चा नहीं होता वो रस्सी से लटका के फिर खींच लेते हैं, तो इनकी मानते हैं कि बच्चा हो जाता। अच्छा, शुक्रिया भैया। पहाड़ के ऊपर से देखने से नीचे घाटी कितनी सुंदर दिखती है। सेवों के बाग है वो जो ढके हुए हैं, जालियों से ढके हुए हैं। यहाँ से नहीं दिख रही, उधर से दिखेगी, उधर से वो छेद दिखा रहे हैं। आप कितने साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे? आराम से साल बाद आ रहे हैं। अपने आप क्या फर्क आ गया है? एक बोलो चीज से अल्लाह रहे कि चले 25-30 साल सबसे पहले नैनीताल में आता हूँ 1975 में। अच्छा, इमरजेंसी के वक्त है? नहीं, इमरजेंसी से पहले। अब हम जा रहे हैं दूसरे रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें सीधा जैसा बताया गया कि सीधा पार्किंग के पास जो मंदिर का गेट है वहाँ पे हमें निकाल देगा।
ओके होगा कितना खूबसूरत और कलात्मक ढंग से बना हुआ यहाँ पे एक मकान है। यहाँ पे फिलहाल लगता कोई रह नहीं रहा। घर के ठीक सामने छोटा सा शिवलिंग स्थापित है। खपराड नामक जगह पर स्थित आड़ू और सेब का बाग कितना सुंदर बाग है और दूर उसके पीछे देखो कितने ऊंचे पहाड़ हैं और सारे पहाड़ कितनी हरियाली है इस पे। ये रास्ता सीधा मुक्तेश्वर जा रहा है और ये रास्ता जा रहा है रामगढ़ भवाली की तरफ।